सो हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमन कुमार और इस वीडियो हम लोग लिस्ट को आगे क्यों प्रोसीड करेंगे। सो चलिए गाइस, बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब फ्रेंड्स, किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पी जिसका एक कोऑर्डिनेट है x1 और y1। यहां से फ्रेंड्स इस लिस्ट पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट आर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा इलिप्स है y(x)² / a² प्लस y² / b² = 1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स है PQ और PR, इसका इक्वेशन क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स है PQ और PR, इसके लिए इक्वेशन होता है s(s1)= t². जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा s जो है y(x)² / a² + y²/b² - 1। वहीं पर फ्रेंड्स माइनस वन जो है वह x1² / a² + y1² / b² - 1। एंड देन फ्रेंड्स एट लास्ट हमारा जो टी है वह x(x)² + y(y)/b² - 1। सो फ्रेंड्स, हम लोग इन सारे इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रकार से पेयर ऑफ टेंजेंट्स इलिप्स में निकालते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टेंजेंट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह यह है कि यदि किसी भी फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है तो फ्रेंड्स फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा टेंजेंट पे उसका लोकस ऑक्सिलरी सर्कल होगा। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a². यदि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लिप्स जो है x² / a² + y² / b² = 1। सो फ्रेंड्स, यदि हम किसी फोकस से एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो फ्रेंड्स वहाँ पर जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका लोकस हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल होगा। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था यदि हमारे लिप्स x² / a² + y² / b² = 1 है, सो फ्रेंड्स उस केस में ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन था x² + y² = a². फ्रेंड्स, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टेंजेंट्स के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है वह यह है कि यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है या दोनों मिल करके फोकस पे राइट एंगल सस्टेन कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ए बी फोकस पे राइट एंगल सस्टेन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्री सस्टेन्स राइट एंगल एट फोकस। मतलब फ्रेंड्स, जहाँ पर इलिप्स टेंजेंट इलिप्स को टच कर रहा है वहाँ से लेकर के फ्रेंड्स डायरेक्ट्री तक का लेंथ जो है वह फोकस पे राइट एंगल सस्टेन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसे हमने पैराबोला में भी डिस्कस किया और इसे हम लोग हाइपरबोला में भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6 में पॉइंट नंबर 3 की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 3 है वह या कि यदि भी फ्रेंड्स हम लोग लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, फ्रेंड्स वह चारों टेंजेंट्स जो है वह चार पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर टेंजेंट्स ए बी बी सी सी डी और डी ए जो है पॉइंट ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यह जो क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा है ए बी सी डी या एक रोम्बस होता है, इसका एरिया होता है ½ BD/AC। मतलब फ्रेंड्स, ½ प्रोडक्ट ऑफ इट डायगनल्स, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारे डायगनल्स है बी डी और ए सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा एरिया निकल के आ जाएगा ½ 2a/e/2a। सो फ्रेंड्स, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एरिया निकल के आ जाएगा 2a²/e। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा रोम्बस निकल के आ रहा है ए बी सी डी, इसका एरिया हो जाएगा 2a²/e। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यदि हम लोग लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, सो फ्रेंड्स वहाँ पर एक क्वाड्रेटर फॉर्म होगा जो कि एक रोम्बस है, और फ्रेंड्स उस रोम्बस का एरिया है 2a²/e। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 7। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पी क्यू एक कॉर्ड है और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया गया है cos α b sin α। वहीं पे फ्रेंड्स क्यू का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है cos β और b sin β। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम लोग कैसे इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या जाएगा, = b sin α - b sin β / a cos α - a cos β। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा ऊपर में b कॉमन आ रहा है और नीचे में a कॉमन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से कितना हो जाएगा b (sin α - sin β) / a (cos α - cos β। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इस इक्वेशन को sin a - sin b में तोड़ेंगे और cos a - cos b में तोड़ेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा -b/a cot α + β/2। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू। अब फ्रेंड्स, हमारा स्लोप पी क्यू का आया है -b/a cot α + β/2। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट फॉर्म में पी क्यू का इक्वेशन आसानी से लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा y - b sin α / x - a cos α = -b/a cot α + β/2। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इस इक्वेशन को अच्छे से तोड़ेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा x/a cos α + β/2 +
y upon b sin of alpha plus beta upon 2 equals to cos of alpha minus beta upon 2. सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में यहाँ पर लाइन पी क्यू का इक्वेशन आसानी से निकाल दिया। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फोकल कॉर्ड की। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो फोकल कॉर्ड है, पी क्यू और आर एस। फ्रेंड्स, हमारा फोकल कॉर्ड का एस्टिमेटिव पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं, पी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा। वहीं पे फ्रेंड्स, क्यू का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, आर का है ए कॉस गामा और बी साइन गामा। एंड देन फ्रेंड्स, एस का है ए कॉस डेल और बी साइन डेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेंस के एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारा फोकल कॉर्ड पी क्यू है, मतलब फ्रेंड्स ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है, सो फ्रेंड्स उस केस में हमारा इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है वह होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। टेन अल्फा अपॉन टू और टेन बीटा अपॉन टू का मल्टीप्लीकेशन जो है वह इक्वल टू होता है ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। उसी प्रकार से आप बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि हमारा फोकल कॉर्ड माइनस ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है, सो फ्रेंड्स उसके लिए क्या कंडीशन होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फोकल कॉर्ड आर एस जो है वह माइनस ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है माइनस ऑफ कॉस ऑफ गामा माइनस डेल अपॉन टू अपॉन कॉस ऑफ गामा प्लस डेल अपॉन टू। यहाँ से हमारा टेन ऑफ गामा अपॉन टू इंटू टेन ऑफ डेल अपॉन टू का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेन अल्फा अपॉन टू और टेन बीटा अपॉन टू का मल्टीप्लीकेशन आया है ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। वहीं पे फ्रेंड्स, टेन गामा अपॉन टू और टेन डेल अपॉन टू का मल्टीप्लीकेशन आया ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। अब फ्रेंड्स, हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा टेन ऑफ अल्फा अपॉन टू इंटू टेन ऑफ बीटा अपॉन टू इंटू टेन ऑफ गामा अपॉन टू इंटू टेन ऑफ डेल अपॉन टू। यहाँ से फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इंटू ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा वन। फ्रेंड्स, अब यहीं पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोकल कॉर्ड है एस पी और एस क्यू, इनका जो हार्मोनिक मीन है वो है वन अपॉन एस पी प्लस वन अपॉन एस क्यू इक्वल टू टू अपॉन सेमी लेटर रेक्टम। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था इलिप्स के लिए लेटर रेक्टम का लेंथ क्या होता है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सेमी लेटर रेक्टम का लेंथ क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं टू अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से फ्रेंड्स हमारे वन अपॉन एस पी प्लस वन अपॉन एस क्यू इक्वल टू टू ए अपॉन बी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आपको इस रिजल्ट को काफ़ी ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस रिजल्ट को हमने हाइपरबोला में भी डिस्कस किया था और हाइपरबोला में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सेवन में पॉइंट नंबर थ्री की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर थ्री है वह इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स इस लिप्स पर ड्रॉ किया गया है। फ्रेंड्स, वह टेंजेंट्स है पी क्यू और पी आर। यहाँ पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है क्यू आर, इसका इक्वेशन क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका इक्वेशन होता है टी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा टी जो है वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी का स्क्वायर माइनस वन। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा इस कॉर्ड क्यू आर का इक्वेशन आसानी से निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाल लेते हैं।